ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। बांदा जनपद के कमासिन थाना क्षेत्र के मुसीबा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मुसीबा गांव निवासी चंद्र किशोर कुशवाहा का 18 वर्षीय इकलौता पुत्र आशीष कुमार के फर्राटा पंखे में करंट आ जाने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। करंट लगने की सूचना जैसे ही ग्राम प्रधान रणजीत यादव को हुई तो वह अपनी गाड़ी से परिजनों के साथ उपचार हेतु कमासिन सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। मृतक आशीष कुमार जय दुर्गे इंटर कॉलेज वीरा में इंटरमीडिएट का छात्र था और इसी वर्ष बोर्ड की परीक्षा दी थी। वह 5 बहनों में इकलौता भाई था। मां सुनीता देवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी देखभाल भी वही करता था। इकलौते बेटे की मौत से मां व बहनों सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं युवक की मौत की खबर से मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया है। पुलिस ने पंचनामा की कार्यवाही कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना जो है, मैं बबेरू से आया था। बबेरू से आने के बाद घर में जैसे ही करीब 1:30-2 बजे के लगभग मैं घर पहुंचा, तो वहां से मेरे पास फ़ोन आया कि करंट मार दिया। तो मैं तत्काल पहुंचा, वहां देखा तो पंखा इसके ऊपर गिरा हुआ था। उसको किसी तरह से फिर लाए, चार पहिया अपनी मैंने मंगवाया, अपनी चार पहिए में लेके आए कमासिन हॉस्पिटल में। कमासिन में जब आए तो डॉक्टरों ने देखा तो उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की उम्र करीब तकरीबन 17-18 साल की उम्र है। अकेला लड़का था, 5 बहनें हैं इसकी और 5 बहनों के बीच में अकेले लड़का था। इंटर पास हो गया है इस साल, इंटर में पढ़ रहा था, पेपर दे दिए, पास हो गया है, बस यही है। पिताजी क्या नाम है लड़के? पिताजी का इसके चंद्र किशोर कुशवाहा। और लड़के क्या नाम? लड़के का आशीष कुमार। तो अभी क्या कार्रवाई यहाँ से हो रही है? कार्रवाई यहाँ से अस्पताल में इसका पंचनामा वगैरह हो गया, अभी इसे पोस्टमार्टम के लिए बांदा ले जा रहे हैं। बांदा से सीनियर संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।